सोचिए जिस कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजवाया, सबको वैक्सीन लगवाया, जब आप घरों से निकलते थे तो फोन पर मैसेज आते थे, एयरपोर्ट पर रोका गया। अब उसी सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन से अगर किसी की मौत होती है तो जिम्मेदार सरकार नहीं है। वही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है, सोचिए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोविड वैक्सीन लगवाना कानूनी बाध्यता नहीं, कोई आरोग्य सेतु की बात नहीं कर रहा है। सोचिए किस तरह से आडंबर रचा गया था। नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार देश भर से लोगों के नाचते गाते हंसते खेलते मौत की खबरें सामने आती है, कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा दे रही है मोदी सरकार। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब। वही नहीं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाना कानूनी बाध्यता नहीं, कोई आरोग्य सेतु की बात नहीं कर रहा। सोचिए, एयरपोर्ट पर आप नहीं जा सकते थे अगर वैक्सीन नहीं लगाए तो, पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगवाया जाता था, पैसे भी लिए गए। उसके बाद अब सरकार पल्ला झाड़ रही है, आए दिन रोज वीडियो आते हैं, हंसता खेलता परिवार उजड़ रहा है, कोई गिर के मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और सरकार अब पल्ला झाड़ रही है। तो ये है मोदी सरकार की विश्वसनीयता। लेकिन सवाल है कि कोई टीवी अखबार इस पर सवाल ही नहीं पूछेगा, ये खबरें दबा दी जाएंगी। दूसरी खबर है रूबिका लियाकत की। सोचिए कितनी बेशर्म है ये पत्रकार। इससे पहले एक बार बिहार में पुल टूटा था छठ के दौरान, मांझी जी मुख्यमंत्री थे, तब भी रूबिका लियाकत का कूड़ चेहरा सामने आया था, उन्होंने मांझी जी को ह्यूमिलिएट किया था। रूबिका लियाकत की हैसियत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ दे। मैं रूबिका लियाकत को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि वो जीरो हैं, और पत्रकार के तौर पर तो मैं कह दूं कि वो फेल है। आज फिर उन्होंने देश के सबसे बड़े नेता, देश के अपोजिशन के बड़े मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का उन्होंने अपमान किया है। खड़गे साहब के बारे में रूबिका लिख रहे हैं, खड़गे जी जितनी दफा धार्मिक उदाहरण देते हैं पब्लिक को गच्चा खिलवा देते हैं, कभी मुहर्रम में बकरा को नचा देते हैं तो कभी रावण के सौ सिर बता देते हैं। तो सोचिए रूबिका लियाकत की हैसियत नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछ ले, दया कुछ तो गड़बड़ है। सोचिए एक सबसे तेज तरार दर्जनों चुनाव जीत चुके, अपोजिशन के लीडर रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, विधायक रह चुके, और पढ़े लिखे रूबिका लियाकत, खड़गे साहब पर रूबिका लियाकत किस तरह का तंज कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, रूबिका लियाकत एक पत्रकार के तौर पे तो फेल है ही, और इस कमेंट से साफ जाहिर है कि वो जातिवादी भी हैं और निजी तौर पर भी वो एक फेल नागरिक हैं। अब तक उनकी आलोचना आपके ताकत की एनर्जी क्या है, इतना कहां से ताकत लाते हैं, इस तरह के सवाल करते थे, लेकिन खड़गे जी के अपमान से साबित हो गया है कि वो पूरी तरह से एक व्यक्तिगत तौर पर, वो कास्टिस्ट महिला है, कास्टिस्ट पत्रकार तो मैं कहूंगा ही नहीं, अब वो महिला के तौर पे भी कास्टिस्ट है। अब दूसरी खबर एक और सुनिए। गुजरात क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जहां बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वही रविंद्र जडेजा के पिता ने कहा है कि किसी भी कीमत पर गुजरात से बीजेपी का सफाया होना चाहिए। वैसे अब गुजरात में तीन ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, आतंकवाद, भारत पाकिस्तान, और मोदी जी को डर लगता है, और मोदी जी स्वदेशी हैं, बाहरी लोग विदेशी हैं, मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री सवाल पूछना गुजरात का अपमान है। तो इस तरह के नैरेटिव लगातार लगाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो सोचिए कोरोना को लेकर किस तरह के सरकार का यू टर्न है, और अब आप क्या कहेंगे। विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया का होगा मर्जर, सिंगापुर एयरलाइंस की बोर्ड ने दी विलय की वजह, एयर इंडिया भारत सरकार बेच चुकी है और सरकार लगातार अपनी कंपनियां बेच रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीर प्रोफाइल्स को लेकर भी सामने आ गया है कि एक प्रोपगेंडा था। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन सवाल है कि कोरोना वैक्सीन जिस तरह से सरकार ने जवाब दबाव देकर जबरदस्ती आपको लगवाया, अब आखिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में बयान क्यों बदल रही है। वो कह रही है कि कोरोना इंजेक्शन लगने के बाद की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, और वहीं कोरोना के लिए इंजेक्शन लगवाने की कोई बाध्यता नहीं थी। आपको बता दूं कि चीन में भी कोरोना को लेकर जो वहां जो रिस्ट्रिक्शन है उसको लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। वो तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन सोचिए
कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार रोज यूटर्न लेती है। नोटबंदी पर यूटर्न है, कोरोना पर यूटर्न है, और इन मुद्दों पर सरकार वोट भी नहीं मांगती है। सोशल मीडिया पर ये खबरें ऐसी हैं जो दबाई नहीं जा सकती है, सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।